साथ में करो करो लॉगआउट कर दो। हटाना हटा दो कर दो हो गया लाइव कर दो। जैन साथियों मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ क्विज़ मास्टर भाई एग्जामपुर पर। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। क्या हाल है आप सभी के? फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ एम आई ऑडिबल और विजिबल, मेरी आवाज वगैरह आप सभी को क्लियर आ रही है? आप लोग ठीक से मुझे देख और सुन पा रहे हैं? हाँ, क्या सारी चीजें आपको क्लियर है? तो फिर अगर सब चीजें क्लियर है तो फिर आज के सेशन की शुरुआत की जाए। आज के सेशन को स्टार्ट करें। एक बार फटाफट से कंफर्मेशन दो। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करके भी आ जाना अपने साथियों के साथ में, ताकि बाकी के लोग भी मेरे साथ में यहाँ पर इस क्लास में ऐड हो जाएं, जुड़ जाएं और उन तक भी जो है नोटिफिकेशन पहुंच पाए। आज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसी को हम डिस्कस करेंगे। देखो स्टेट वाइज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, तो अभी हम लोग जो है ना डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे राज्य आपके, बिहार हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ऐसे ही हम आंध्र प्रदेश भी कर चुके हैं, ठीक है, केरल, कर्नाटका, ये सारे राज्य हम लोग लगभग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है आपका यहाँ पर झारखंड। और झारखंड की बात करें, झारखंड वह राज्य है जो कि आपका सन 2000 में बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना, बिहार से नए अलग होकर एक नया राज्य बना। तो आपके लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ईयर पूछा जाता है, ईयर पूछा जा सकता है कि किस साल में जो है आपका झारखंड अलग हुआ था। तो सन 2000 में अलग होकर नया राज्य बना था, ये आपको याद रखना है। नया राज्य किससे अलग हुआ? बिहार से अलग हुआ था, बिहार से लगभग, जैसे अगर बिहार से अलग हुआ है दैट मींस कि बिहार की जितनी भी चीजें होंगी, चाहे वहां का जो भी कल्चर हो, वहां के जो फेस्टिवल हो, वहां के जो डांस वगैरह हो, वहां की जो भी जो भी आपके इम्पोर्ट मतलब जो भी फंक्शन वगैरह हैं, डांस फॉर्म हैं, वहाँ के त्योहार हैं, तो वो सब आपके यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, लगभग सेम ही रहते हैं। तो लगभग सारी चीज़ें सेम ही देखने को मिलेंगी आपको, तो इसमें स्पेशल ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ गुड, ठीक है, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार सभी लोग शेयर कर दो सेशन को। ठीक है, चलो क्लियर है तो आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, ओके गुड। एक बार सेशन को शेयर करके आ जाओ, ठीक है। तो हमने बात करी, देखो बिहार आप देखोगे तो ये बिहार है, ये बिहार है और इससे अलग होकर ही ये नया राज्य बना है। तो ये बात ये भी आ जाती है, सीमा किस किस के साथ में साझा कर रहा है? सीमा मतलब गलत मत ले जाना, कोई दूसरी सीमा नहीं, बॉर्डर शेयरिंग की बात चल रही है। एक राज्य के साथ में 2, 3, 4, 5 टोटल 5 राज्यों के साथ में ये सीमा साझा करता है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया और छत्तीसगढ़ के साथ में ये सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ आपका मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था, इसमें भी ऐसा कुछ आपको स्पेशल नहीं है कि हाँ दिक्कत हो समझने में पढ़ने, ठीक है। तो चल, यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो पा रही होंगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हम मैं क्या कहना चाहता हूँ कि किससे अलग होकर बना क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ गुड, एक बार सेशन को शेयर करके आ जाओ सभी। जिसने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दो, ताकि बाकी के बच्चे भी हमारे साथ में जुड़ जाए। अब मैप आपको यहाँ पर, ये भारत का नक्शा, आपको भारत का मैप दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार बना देता हूँ, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये आपका भारत का नक्शा कंप्लीट होता हुआ और ये बन रहा है, ठीक है जी। ये भारत का नक्शा जो है का बन गया, अब भारत अब इसमें झारखंड की लोकेशन हमारे लिए काफी मैटर करती है। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि बताओ झारखंड भारत के इस मैप में कहां पर स्थित है,
मेरी ड्राइंग देख रहे हो, मेरी आर्ट देख रहे हो, कितनी तगड़ी है, बढ़िया एकदम। चलो है ना, कितना कितनी बढ़िया मेरी ड्राइंग है। हाँ, बाइक से मैं समोसे लेने जा। तो ये आपको देखना है, और इसके बाद में ये आप जो देखोगे, ये झारखंड है। यहाँ पर ये बॉर्डर शेयर करता है बिहार के साथ, ये सीमा साझा करता है बिहार के साथ। ये फटाफट से लिख लो, ये यहाँ बिहार के साथ में कर रहा है। दूसरा यहाँ पर ये बॉर्डर शेयर कर रहा है आपका उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के। फिर यहाँ पर ये बॉर्डर शेयर करेगा छत्तीसगढ़ के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ। तो और एक यहाँ पर बॉर्डर शेयर करेगा आपका ये उड़ीसा के साथ, उड़ीसा के साथ। और यहाँ पर बॉर्डर शेयर करेगा पश्चिम बंगाल के, ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो टोटल ये कितने राज्यों के साथ में सीमा साझा कर रहा है? तो टोटल ये 5 राज्यों के साथ में सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए। दूसरा एक सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ ये भारत के नक्शे में अगर हम इसको नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट करें, मतलब अगर हम इसको उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण करते हैं, तो ये भारत के नक्शे में कहां पर है? तो आप देख पा रहे होंगे ये किस कौन सा है, ये पूर्वी राज्य है, ठीक है, ये पूर्वी राज्य है, पूर्वी भारत का राज्य है, पूर्वी राज्य। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, आपको याद रखना, ठीक है। किसी भी तरीके से कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर साझा नहीं करता है, किसी भी तरीके से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। ये भी आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है जी। क्लियर? हाँ, क्लियर है। चलो ठीक है, तो यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई हो तो एक बार सभी लोग शेयर कर दो सेशन को अपने साथियों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके आ जाओ फटाफट से। हाँ, एक बार सभी लोग क्लियर हो गई यहां तक सारी चीजें, यहां तक सारी चीजें। चल तो ये ओवरऑल बात हो गई मैप की आपकी, आगे चलते हैं। 28वां राज्य बना था जब इसको नया राज्य का दर्जा दिया गया, नया राज्य अस्तित्व में आया, तो ये 28वां राज्य बना था और 15 नवंबर 2000 को ये नया राज्य बना था। ये किस कहां पर है? ये पूर्वोत्तर तो नहीं बोल सकते, ये पूर्व में स्थित है। अगर हम इसको ठीक से देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट नहीं है, ये पूर्व में ही है, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। अगला देखेंगे कि ये सीमा किस किस के साथ में साझा कर रहा है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब देखेंगे इस पे इसकी लोकेशन को, तो इसमें एक आपका जो ये देख रहे हैं आप, रांची आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट। रांची क्या है? यहाँ की राजधानी, रांची राजधानी है यहाँ की, ठीक है। राजधानी अगर आपसे पूछी जाती है कि बताओ इसकी राजधानी क्या है, तो रांची। मैं ब्लैक दिख रहा हूं, कोई बात नहीं, आपको ये स्क्रीन क्लियर दिख रही है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं ब्लैक दिख रहा हूं, उससे कोई मतलब नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ ये इसका गठन कब किया गया था, नया राज्य का दर्जा कब मिला, तो 15 नवंबर 2000 में इसको नया राज्य का दर्जा मिला था।
सबसे बड़ा शहर पूछा जाए आपसे, जनरली एग्जाम में पूछ लेता है कि बताओ सबसे बड़ा शहर कौन सा है या फिर राजधानी क्या है, तो राजधानी जो है, अभी जस्ट मैंने बताया कि झारखंड की राजधानी रांची है, लेकिन अगर आपसे सबसे बड़ा शहर पूछा जाएगा, लार्जेस्ट सिटी पूछा जाएगा, तो जमशेदपुर आंसर होगा। अब यहाँ पर टोटल जिलों की बात कर ले तो 24 जिले हैं। अगर आपसे टोटल कुल जिले पूछे जाते हैं तो 24 जिले आपको याद रखने हैं। यहाँ पर विधानसभा की सीटें जो है लिखेंगे फटाफट से, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ विधानसभा की सीटें कितनी हैं, विधानसभा की सीटें 81 हैं। आपसे पूछा जाए कि बताओ राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो राज्यसभा की सीटों की जब बात की जाएगी तो 6 सीटें राज्यसभा की हैं। और वहीं अगर आपसे पूछ ले कि बताओ लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा की सीटें यहाँ पर 14 हैं, 14 हैं। लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कि आपके एग्जाम में वही चीजें इंपॉर्टेंट बनेंगी जो करेंट में होंगी। अगर यहाँ पर कोई इलेक्शन वगैरह हुए होंगे तो फिर उस आपके एग्जाम के टाइम पे तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बनेगा, अदरवाइज आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। ठीक है जी, आगे चलें। आगे यहाँ पर अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाए कि बताओ यहाँ पर भाषा कौन सी बोली जाती है, तो लैंग्वेज यहाँ की हिंदी है। मैंने बोला लैंग्वेज यहाँ की हिंदी है, मैंने ये नहीं बोला भाई साहब लैंग्वेज क्या है यहाँ की, हिंदी है। ये आपको याद रखना। आगे चलो, यहां से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपसे अगर पूछा जाए, और जनरली आपके एग्जाम में पूछा जाता है जो उपनाम वाला एक क्वेश्चन होता है वो पूछ लेता है जनरली। जैसे मैंने कई एक बार आपको हर राज्य में बताता हूँ, सब राज्य के जो भी वहां के राज्य है, जैसे मैं केले के शहर की बात करता हूँ तो मैं कई एक बार बता चुका हूँ केले का शहर किसको कहा जाता है, केले का शहर हाजीपुर को कहा जाता है। ठीक है, केले का शहर हाजीपुर को कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से मुजफ्फरपुर को क्या कहा जाता है, तो मुजफ्फरपुर को लीची का शहर, मुजफ्फरपुर को क्या कहा जाता है, लीची का शहर कहा जाता है। ये भी कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारी, जैसे ज्ञान का शहर, ज्ञान की भूमि बिहार का, है ना। इसी तरीके से मैंने आपको शायद महाराष्ट्र अभी तक नहीं कराया, जब महाराष्ट्र कराऊंगा तो उसमें आपका एक जो है सपनों का शहर किसको कहा जाता है, तो सपनों का शहर मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक आपकी ये भी, जैसे भारत की कोयला राजधानी है, ठीक है, इसी तरीके से भारत की शराब राजधानी किसको, भारत की शराब राजधानी भी किसी को कहा जाता है, भारत की शराब राजधानी, तो भारत की जो शराब राजधानी है वो किसको कहा जाता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, नासिक को कहा जाता है। ठीक उसी पैटर्न पे अगर आपसे भारत की कोयला राजधानी पूछी जाएगी तो आप आंसर धनबाद कर देंगे, तो आंसर आप क्या करेंगे, धनबाद कर देंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना। महाराष्ट्र करा दिया, बहुत अच्छी बात है, तो मैंने आपको कराया हुआ है, उसमें आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि भारत की शराब राजधानी की जब बात करेगा तो भारत की शराब राजधानी जो है वो किसको कहा जाता है, तो आंसर आप क्या कर देंगे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, नासिक को कहा जाएगा। ठीक है, नासिक, दारू मत पिया करो। चलो अब अगर आपसे, देखो इसके अलावा ये तो कोयले के पूछेगा, कोयले का सबसे ज्यादा अगर भंडारण या उत्पादन कहीं होता है तो उत्पादन झारखंड में सबसे ज्यादा है, भारत में कोयले का उत्पादन झारखंड में सबसे ज्यादा है, ये भी आप याद रखिएगा। दूसरा आपसे भारत के पिट्सबर्ग आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया पूछा जा सकता है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेगा। जमशेदपुर के बारे में जस्ट मैंने आपको बताया था कि जो जमशेदपुर है ये क्या है, ये झारखंड का सबसे बड़ा शहर है, लार्जेस्ट सिटी है, कहाँ का, झारखंड का। उसी जमशेदपुर को क्या कहा जाता है, उसी जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। आगे चले, आगे अगर हम बात करें यहाँ पर नदियां कौन कौन सी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट की हुई है, जो भी नदियां यहाँ से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेंगी उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। वहीं झीलों की भी बात करें तो झीलें भी यहाँ पर मैंने हाईलाइट की हुई है। अगर नदियों की बात की जाएगी तो एक तो आपकी दामोदर नदी है, बाइलिंगुअल पूरी क्लास है, आप बच्चे बाइलिंगुअल कर लेंगे, बराकर नदी है, ठीक है, और एक आपकी स्वर्ण रेखा है, कौन सी है, स्वर्ण रेखा। ये तीन नदियां आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है।
कौन कौन सी? दामोदर नदी, बराकर नदी और स्वर्ण रेखा नदी। ये तीन नदियां आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगी। वहीं झीलों की जब बात की जाएगी, दो ही झीलें हैं जो कि दोनों की दोनों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ दामोदर नदी कहां पर है, बराकर नदी कहां है, स्वर्ण रेखा नदी कहां है? आंसर क्या कर दोगे आप? आंसर कर दोगे झारखंड में। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए हुडको झील कहां पर है, तो हुडको झील आंसर क्या हो जाएगा आपका? हुडको झील आंसर हो जाएगा कहां पर? हुडको झील कहां है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। ठीक है, कहां पर? झारखंड। दडमना झील कहां पर है? हिम्मा लेक। तो ये आपका झारखंड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, यहाँ पर बांध, बांध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और बांध जब आपसे एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर, तो आपसे ऐसे पूछेगा कि बताओ ये बांध किस नदी पर है, या फिर वो आपसे ये कह देगा कि बताओ ये बांध कहां पर है, किस राज्य में। अगर नदी पूछ लेगा तो भी आप आंसर कर पाओगे, राज्य पूछ लेगा तो भी आप आंसर कर पाओगे, तो भी आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, हाँ जी, वेल डन, गुड गुड गुड। ठीक है, क्लियर है जी। अब देखो यहां पर बात की जाए तो छिंदा बांध, अब छिंदा बांध कहां पर है? ये छिंदा नदी पर। जगह पूछ ली जाए झारखंड। वहीं अगर आपसे पूछा जाए तैनूघाट बांध, तैनूघाट बांध दामोदर नदी पर है। तैनूघाट बांध कहां है? दामोदर नदी पर है। मैथन बांध, मैथन बांध बराकर नदी पर है। अगर पूछा जाए पंचरेट बांध, तो पंचरेट बांध दामोदर नदी पर है। और कोनार बांध, कोनार बांध कोनार नदी पर है। मतलब हमने जितने भी देखे उनमें से हमें केवल और केवल तीन, ये जो बांध हैं इन बांधों के नाम अलग अलग, मतलब इन ये जो तीन बांध हैं, जैसे तैनूघाट बांध, मैथन बांध और पंचरेट बांध, तो ये जो तीन बांध मैंने आपको बताए, ये तीन बांध वो हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन ये अलग नदियों पर बने हैं। लेकिन कोनार बांध और चिंदा बांध ये सेम नदी पर ही है, तो आपको ये अलग से याद करने हैं कि दामोदर, दामोदर पे कौन कौन है, पंचरेट और तैनूघाट, मैथन आपका बराकर पे। ठीक है, ये आपको याद रखना, क्लियर, गुड, वेल डन। यहां तक सारी चीजें क्लियर? एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देना सभी लोग। अब आपसे स्टेडियम पूछा जाए, स्टेडियम यहां पर बहुत सारे हैं, लेकिन मैं किसकी बात करता हूं? मैं बात करता हूं केवल इंपॉर्टेंट की, जो आपके एग्जाम में पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना जहां से दिखती है, मैं उन्हीं को आपको बताते हुए चलता हूं, हाईलाइट कराते हुए जहां संभावना दिखती है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका आ जाएगा बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए बिरसा मुंडा कहां पर है, तो बिरसा मुंडा जब जगह की बात कर देगा तो जगह आपको रांची में है। ठीक है, रांची क्या है? रांची झारखंड की कैपिटल है, राजधानी है, और रांची के बाद में ये झारखंड आपका यहां पर करेक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? ठीक है जी, क्लियर है? अरे मेरा मूड ऑफ क्यों होगा? देखो मैं आपको बताऊं, मेरा कोई मूड ऑफ नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं। पहली बात तो मेरे सर में चोट है, मेरे सर में चोट है। दूसरी बात आज मैं नोएडा से क्लास ले रहा हूं, आपकी नोएडा ऑफिस से क्लास ले रहा हूं, तो यहां पर जो सेटअप लगा है अभी नया नया बना है, तो आंखों में बहुत ज्यादा चुभ रहा है, बहुत ज्यादा दर्द थे, तो इसलिए। और कमेंट्स प्रॉपर पढ़ने की भी जो है ना, वो अभी स्क्रीन वगैरह नहीं लगी है, तो इसलिए मैं ज्यादा कमेंट्स पे भी ध्यान नहीं दे रहा हूं। ये टोपा नहीं है, इसको अगर ऐसे करोगे ना, ऐसे ये पट्टी बंधी हुई है ना, इसलिए ये टोपा लगा है। ये हल्का वाला कपड़ा है केवल पट्टी को ढकने के लिए ये हल्का वाला टोपा लगा है।
चलो हाँ, तुम लोग के कमेंट पढ़ लेता हूँ। बहुत से एक बार सभी सेशन को लाइक और शेयर कर दो सारे के सारे। ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे थोड़े से दिन खराब चल रहे हैं, इस चक्कर में ये सब हो रहा है मेरे साथ, है ना। चलो ये सब चीजें लगी रहती हैं। यहाँ पर अगर मैं नृत्यों की बात करूं, लोक नृत्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बताया कि जो बिहार की चीजें हैं, बिहार और झारखंड एक ही राज्य था, तो लगभग ज्यादातर चीजें यहाँ पर मिलती जुलती हैं, सेम ही है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से ले सकता हूँ क्लास। यहाँ पर है चोट, टाके वाके हैं, बट वो एक नॉर्मल सा छोटा सा एक्सीडेंट था, हो गया था। हाँ तो इसीलिए आपकी सैटरडे को क्लास नहीं ले पाया था, इसी चक्कर में सैटरडे को क्लास नहीं हूँ। ठीक है तो अब देखो, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि लोक नृत्य की जब बात करेगा, तो पाइका लोक नृत्य आपका यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फगुआ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से जो हाईलाइटेड है वो यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। हाँ दवा मैं टाइम पे ही ले रहा हूँ, दवाई टाइम पे ही ले रहा हूँ। ठीक है तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ से हुंता, करम, बराओ, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, डोमकच, घोरा नाच। घोरा नाच कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताओ घोरा नाच कहाँ का लोक नृत्य है, घोरा नाच कहाँ का लोक नृत्य है, कई बार डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो घोरा नाच जो है ये आपका झारखंड का, ठीक है, झारखंड, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी चलो, बहुत बढ़िया। एक बार सभी लोग सेशन को हाँ लाइक शेयर कर देना, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे घोरा नाच पूछा जाता है, डोमकच भी पूछा गया है, लेकिन घोरा नाच कई एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कहाँ का है, तो आंसर आप क्या कर देंगे, आंसर करेंगे झारखंड। ठीक है आंसर क्या करेंगे, झारखंड। अब अगर आपसे जीआई टैग पूछा जाता है, तो सोरई खोवर पेंटिंग, जब इसको दिया गया था, इसको जीआई टैग मिला था सोरई खोवर पेंटिंग को, तब आपके एग्जाम में पूछा गया था, तब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वहां से इंपॉर्टेंट था, अदरवाइज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है तो ये आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ सोरई खोवर पेंटिंग आपके एग्जाम में अब रेयरली आने के चांसेस है, बहुत कम आने के चांसेस। ठीक है अच्छा, आपकी आंखों में दर्द हो रहा है तो दवाई बताओ। यहाँ पे मैं अपना इलाज नहीं कर पा रहा हूं, मतलब मैं डॉक्टर दिखता हूं क्या तो मैं है? तो पढ़ लो चुपचाप से, दवाई लेनी है डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर दवाई बताएगा, टीचर तो केवल आपको ये दे सकता है, बाकी दवाई जो है वो डॉक्टर देगा आपको। ठीक है दर्द मेरी आंखों में भी हो रहा है, ये सब सर में दर्द हो रहा है, ये सब चुभ रहा है बहुत बुरी तरीके से, और यहाँ पे भी पूरा चोट, ये पूरी पूरी पट्टी बंधी हुई है। अगर मैं इसको देखो एक बार तो मैं हटा के दिखाऊं, ये देखो है ना पूरे में बंधी हुई है, तो तब भी मैं क्लास ले रहा हूं, तो समझो इसे इसे अगर मैं क्लास ले रहा हूं तो तुम्हें भी पढ़ना चाहिए, तुम लोग भी पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो। अगर मैं ऐसी ऐसी कंडीशन में अगर मैं क्लास ले सकता हूं ना, तो तुम ऐसी कंडीशन में ऐसी कंडीशन नहीं, तुम्हारी बहुत अच्छी कंडीशन होगी, और भगवान ना करे कि ऐसा कभी कुछ हो, लेकिन आप मेहनत करो फिर भी। ठीक है मेहनत करो, समझे, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो अब यहाँ पर आपसे राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए, तो केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला नेशनल पार्क, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है तो ये याद रखना, बेतला नेशनल पार्क, या फिर आपसे बेतला राष्ट्रीय उद्यान की भी बात करें, बेतला नेशनल पार्क की बात कर ले, या फिर बेतला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, बेतला राष्ट्रीय उद्यान,
आपसे किसी की भी बात कर ले तो आंसर आप क्या कर देंगे, आंसर हो जाएगा झारखंड। कहां पर है? झारखंड। ठीक है, चलो क्लियर है। चलो क्लास करो आप अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूं। मैं अगर क्लास ले रहा हूं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूं, है ना। मैंने जब हाथ टूटा था, जब पहले एक्सीडेंट हुआ था, तब भी मैंने क्लास नहीं छोड़ी थी। अब देखो आपसे शहर, अब कौन सा शहर जो है वो किस नदी के किनारे, आपसे क्या से पूछता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ निम्नलिखित में से दामोदर नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, अब दामोदर नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो आपसे ऑप्शन देते, आपको ऑप्शन दे देगा चार, कहेगा बताओ रांची, धनबाद, जमशेदपुर या फिर निम्न उपर्युक्त में से कोई नहीं, या नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। अब इसका आंसर अगर आपसे पूछ ले तो क्या करोगे आप? चलो तुम लोग चुपचाप से क्लास कर लो, दिमाग ना खराब करो। अब आपसे आंसर पूछा जाए तो आंसर क्या करोगे? धनबाद किस नदी के किनारे है? धनबाद दामोदर नदी के किनारे, दामोदर नदी के किनारे धनबाद। ठीक है, तो आपसे इस तरीके से कुछ ऐसे ही इस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपको, अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर आप क्या करेंगे, आंसर आपका ये हो जाएगा। अब यहां से इसके अलावा देखो त्योहार, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर त्योहार, तो मैंने आपको बताया था सोरई, सोरई खोबर यहाँ की पेंटिंग है, सोरई खोबर यहाँ की पेंटिंग है। ठीक है, सोरई खोबर पेंटिंग है। इसके बाद में यहाँ पर सरहुल है और छठ पूजा, छठ पूजा बिहार का मुख्य त्योहार है और बिहार से ही अलग होकर ये नया राज्य बना है, इसके बारे में मैंने बताया था। ये बिहार का भी, छठ पूजा बिहार का भी, सरहुल भी यहाँ का त्योहार है। ठीक है, बाकी भैया दो, जटिया, जटिया जो है ये आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है, इसमें हाईलाइट नहीं किया हुआ है, तो जटिया भी आप याद रखेंगे। रोहिन है, वंदना है, तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कर्मा भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एक बार को, बट कर्मा आप याद कर लेना, एक बार को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बनेगा, बट कर्मा जो हो गया यहां से लेके और जटिया तक, ये आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, ये यहां से आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखिए। ठीक, चलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए, देखो पेंटिंग, कलाकृतियां, लोकचित्र या फिर पिटकर, अब यहाँ की कौन कौन सी पेंटिंग है, कौन कौन सी कलाकृतियां हैं, तो एक मैंने आपको बताई थी सोरई खोबर, ये यहाँ की कला, ये यहाँ की पेंटिंग है, और इसको क्या मिला है, इसको यहां से झारखंड से GI टैग मिला, इसको यहां से झारखंड से GI टैग मिला है। किसको? सोरई खोबर को। कहां से GI टैग मिला है? सोरई खोबर को झारखंड से GI टैग मिला है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा जादू पटिया पेंटिंग भी है, तो दो यहाँ की पेंटिंग है जो कि आपकी महत्वपूर्ण है, जिसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण केवल और केवल आपकी सोरई खोबर है। सोरई खोबर अगर आपसे पूछ ली जाए तो आंसर आप कर देंगे झारखंड। ठीक है, क्लियर, क्लियर है सभी को?
किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ। इसके अलावा ढोकरा कला भी है, गुंज कला भी है, राणा भी है, तेली और प्रजापति कला भी है। ये पेंटिंग्स हैं, ये यहाँ की कलाकृतियां हैं, पेंटिंग है, लोक चित्र है, मुंडा कला है, तुरी कला है, बिरहोर है ना, भोजिया कला है। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपके लिए काफी यहाँ से इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बनेगी, ठीक है। तो आपको याद रखें, ठीक है जी। किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बता। चलो चुपचाप से क्लास कर लो, जितना बता रहा हूं लिखते जाओ, इंपॉर्टेंट मार्क करते जाओ। चलो अगर आपसे मंदिर पूछा जाए तो मंदिर में आपको वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर एक मंदिर है आपके लिए यहां से काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा मंदिर इंपॉर्टेंट है आपको मैंने आप यहाँ पर बताया, तो इम्पोर्टेंट मंदिर आपका वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर है। ये यहाँ से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बनेगा, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, ठीक है जी। कौन सा मंदिर है, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण बनेगा, आपको याद रखना है, ठीक है जी, आपको याद रखना है। बाकी जामा मस्जिद झारखंड में है, प्राचीन टीला भी है, जगन्नाथपुर मंदिर भी है, तपोवन मंदिर भी है, प्राचीन पत्थर मंदिर भी है। तो यहाँ से आपके लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम जो कह सकते हैं, वो केवल और केवल आपके लिए वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर है। इसके अलावा आप जगन्नाथपुर भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो आंसर आपका झारखंड, आप तुरंत आंसर कर देंगे, ठीक है। आगे चलो, आगे अगर हम यहाँ पर पावर पॉइंट पावर प्लांट्स की बात करें, तो पावर प्लांट्स में कौन कौन से पावर प्लांट्स हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। एक तो आपका तेनुघाट थर्मल पावर प्लांट, जो तेनुघाट थर्मल पावर प्लांट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 6 थर्मल पावर प्लांट है, जिसमें आपका तेनुघाट थर्मल पावर प्लांट हो गया है ना। इसके अलावा आपका पतरातू जो है, पतरातू आपका हो गया है ना, बकारो हो गया, इसके अलावा आपका यहाँ पर चंद्रपुरा हो गया, ये आपको याद रखना है, सिकीदरी हो गया आपका, और यहाँ से जो बेरा पावर प्लांट हो गया। तो ये कुछ यहाँ से पावर प्लांट्स हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर है यहां तक सारी चीजें, यहां तक क्लियर, किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहां तक सब क्लियर है। ये यही तो दिक्कत है, मन नहीं लग रहा पढ़ने में, है ना, मन नहीं लग रहा पढ़ने में, और जाने का भी मन नहीं कर रहा। अच्छा, पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो मैं नाच के दिखाऊं, मैं गा के दिखाऊं, मैं क्या करूं कि तुम्हारा पढ़ने में मन लग जाए। गधे और क्या दिखा सकता था, सर की चोट दिखा दी, सर में बंधी हुई पट्टी दिखा दी, नालायक, इससे ज्यादा और क्या दिखा सकता था तुझे। तब भी मन ना लगे, तब भी मोटिवेशन ना आए, तो डूब के मर जाओ जाके चुल्लू भर पानी में, थोड़ा सा लो मर जाओ जाके। आपका एग्जाम सर पे, आपकी जब वैकेंसी आ जाएगी, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करो, एमटीएस के लिए ही भले ही कर रहे हो आप, लेकिन स्टैटिक जीके तो ये तो जितना करा रहा हूँ सभी में पूछा जाता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की करोगे तो क्या उसमें नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल उसमें पूछा जाता है। तो मतलब आपकी तैयारी के लिए मैं तो यहाँ पर अपने डेडिकेशन के साथ में लगा हुआ हूँ, मैं तो डेडिकेशन के साथ में आपके साथ काम कर रहा हूँ, बट आप तैयार नहीं है, आपको कोई होश नहीं है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, माँ बाप के सपने जो है ना उनको पूरा करने में मन नहीं लग रहा, तुझे तेरे सपने पूरे करने में मन नहीं लग रहा, एक काम कर, चुल्लू भर पानी ले, डूब के मर जा भाई, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। ऐसी जिंदगी का फायदा क्या है, ऐसे जिंदा रहने से फायदा क्या है, जहां तुम्हारे सपने पूरे करने में भी मन ना लगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आप देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाए, तो तीन इंपॉर्टेंट है, मैंने तीन इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर दिए हैं, तीन इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद कर लो, ये तीन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
चल आगे चलो। अब आपसे सबसे ऊंची चोटी यहां से पूछी जाए, पारसनाथ पहाड़ी, पारसनाथ चोटी है और पारसनाथ रेंज में है, पारसनाथ पहाड़ी रेंज में है, पारसनाथ हिल्स में है और ऊंचाई इसकी 1366 मीटर है, तो ये आपके लिए काफी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि अब आपके लिए यहाँ से झरने आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है भाई साहब। झरना, तो झरना आपका एक तो होदरा जलप्रपात इरनी झरना, ठीक है, और लोध झरना और आपका पंचघाग झरना। तो ये कुछ झरने हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से चार झरने आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे, जिसमें आपका दिसम भी है, बटिंडा भी है, सदानी भी है, उसी झरना भी है, जोना झरना भी है, लेकिन आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट, 1 2 3 4 ये चार झरने आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इनको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके झरने झरने ठीक है इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लो और ठीक। हाँ ठीक है सर, मेरा सर दर्द कर रहा है तो भी पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है बेटे लाल, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। हाँ यही तो डेडिकेशन चाहिए मेरे पूत, लाल पीले हरे नीले। चलो अब अगर आपसे यहाँ पर पक्षी अभ्यारण पूछा जाए तो उधरवा झील पक्षी अभ्यारण है। यहाँ की जनजातियां तो संथाल जनजाति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुंडा जनजाति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर खारिया भी है, गोंड भी है, ये जनजाति भी भाई साहब, कोल जनजाति भी काफी इंपॉर्टेंट है, कोल जनजाति भी काफी इंपॉर्टेंट है, असुर जनजाति भी है। यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ असुर कहाँ रहते हैं, नहीं मतलब असुर जनजाति कहाँ रहती है, तो असुर जनजाति भाई साहब झारखंड। ऐसे नहीं पूछेगा कभी भी एग्जाम में कि असुर कहाँ रहते हैं, झारखंड वाले एग्जामिनर का खोपड़ी फोड़ देंगे, है ना, पता कर लेंगे कि पेपर किसने बनाया था। ठीक है, तो असुर जनजाति कहाँ पर है, असुर जनजाति, असुर जनजाति, असुर जनजाति झारखंड, झारखंड, झारखंड। ठीक है जी, क्लियर है, बहुत शानदार। एक बार सभी लोग यार सेशन को लाइक शेयर कर दो आज, बहुत बढ़िया, लाल पीले हरे नीले, बहुत सही, बहुत बहुत बढ़िया, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दो। हाँ बहुत सही, खून खोल रहा है फिर भी पढ़ रही है बिटिया, बहुत सही अच्छा खून खोल रहा है फिर भी पढ़ रही है, देखो और क्या चाहिए। हाँ तो सर कुछ कह नहीं सकते आप, खून खोल रहा है कुछ नहीं कह सकते। आंसर इसका क्या होगा, खून खोलना ही तो जरूरी है, खून खोलना ही तो जरूरी है। अरे जब तक खून नहीं खोलेगा ना तब तक तुम में कहां से एनर्जी आएगी, कहां से मोटिवेशन आएगा, तो इसलिए खून का खोलना भी जरूरी है, अंदर से उबाल आना जरूरी है, अंदर से एकदम वो कहते हैं ना एकदम खून खोल जाए पूरी तरीके से, तब तो जाके वो मोटिवेशन आता है, तभी तो जाके मोटिवेशन आता है ना, तो खून खोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। पारसनाथ पूछा जाए, पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण, क्या पूछा जाए, पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण, अभ्यारण कहां पर है पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण, तो पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण झारखंड में, तोप चाची झारखंड में, गौतम बुद्ध झारखंड में, हजारीबाग झारखंड में और दालमा झारखंड, ये कुछ है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है क्लियर, हाँ जी बहुत सही बहुत बढ़िया, क्लियर है सभी को यहां तक। शानदार शानदार, यहां तक तो सबको क्लियर हो गया, कह रहे हैं यस सर क्लियर है, बहुत सही, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात। अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या मैंने बताया था, और कुछ चीजें अभी भी मैंने नहीं लिखाई है तो वो भी लिखा देता हूँ। ठीक है कुछ चीजें अभी भी मैंने नोट नहीं कराई हैं तो वो भी मैं करा दूं, तो नोट कर लो फटाफट से। अगर आपसे रैंक पूछा जाए,
तो रैंक एक तो क्षेत्रफल की दृष्टि से और दूसरा जनसंख्या की दृष्टि, ठीक है। तो जब क्षेत्रफल की दृष्टि से रैंक पूछा जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाएगा तो ये 15वां राज्य है, 15वां नंबर पे आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से 14वें नंबर पे आता है। यहाँ पर अगर हम बात करें जो आपका सेक्स रेशियो है, यानी कि सेक्स रेशियो का क्या मतलब हो गया आपका यहाँ पर लिंगानुपात, ठीक है। लिंगानुपात यहाँ पर क्या है, लिंगानुपात यहाँ पर क्या है, तो लिंगानुपात यहाँ पर है 948 फीमेल है, 948 महिलाएं हैं, इसके कंपैरिजन में 1000 मेल हैं, 1000 पुरुष हैं। तो ये आपको याद रखना, ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपने यहाँ पर लिख लिया। इसके अलावा एक और पॉइंट आप लिख लो, यहाँ का साक्षरता दर कितना है, लिटरेसी रेट यहाँ का कितना है। अगर आपसे साक्षरता दर पूछा जाए, लिटरेसी रेट पूछा जाए, साक्षरता दर अगर आपसे पूछ ली जाए, लिटरेसी रेट अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए तो 67.7% है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है लिटरेसी रेट। और इसके अलावा आपसे और क्या पूछा जा सकता है, तो इसके अलावा यहाँ पर आपको मैं पढ़ा रहा था, बीच में आ गए, नमस्ते करने लगे, तो मैंने कहा जाओ एक बार। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं सर? मिलवा था आपको, पहचाना नहीं सर? मैं सर क्लास क्लास देख रहा था आपकी, मुझसे पढ़ते हैं। हाँ अच्छा, किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? मैं तैयारी कर रहा था अपने झारखंड झारखंड की तैयारी। ये सही है सर। आपके अमित सर, अभी अमित सर भी क्लास लेंगे सर, 11 बजे जो है ना आपकी क्लास होगी। हाँ, 11 बजे है ना, तो सर 11 बजे क्लास लेंगे। क्या बात है, बालक कैसे नहीं आज? बालक कितने करते हैं? अच्छा, ऐसे मत करो यार, संख्या को बढ़ाओ, ऐसे मत करो। तो आज झारखंड के बारे में पढ़ा रहे हो, तो आज पूरा मतलब झारखंड अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। हाँ, जो नारा दिया वो सही है एकदम। वो सही है, लेकिन वो बोला नहीं, वही तो दिक्कत है। बाकी बढ़िया, मैं क्लास देख रहा था सर, फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा लगा कि मैप से ना एक ही चीज बढ़िया से क्लियर हो रही है, शानदार तरीके से। भाई समझ में आ रहा सबको? अमित सर माइक, ठीक है सर। ये टीचर है अभिषेक पूछ रहा है, ये टीचर है ना भाई? मैं पढ़ने आया हूँ, मैं पढ़ने आया हुआ हूँ और पढ़ता हूँ, मैं अभी खुद तैयारी कर रहा हूँ। तो आज मैं पढ़ रहा था सर की क्लास, झारखंड काफी अच्छे समझ में आया मुझे सर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब अगर आपसे यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी पूछी जा सकती है, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब जनसंख्या घनत्व, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए अगर आपसे जनसंख्या घनत्व पूछा जाए कि बताओ जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या घनत्व अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो जनसंख्या घनत्व में आप यहाँ पे 414 किलोमीटर पर स्क्वायर लिखें, 414 ठीक है, 414 प्रति किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है जी, ठीक है। चलो तो फिर आज के सेशन को फिर इसी के साथ में मैंने आपको बहुत कुछ करा दिया है, यहाँ से आप यहाँ से झारखंड के राज्यपाल याद कर लेना, रमेश बैस हैं, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आपके हेमंत सोरेन जी हैं। तो इसी के साथ में फिर आज के सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। फिर आपसे मुलाकात होगी 6:00 PM, सभी लाइव आ जाना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आप सभी अपना ध्यान रखिए। अंत नहीं, बस।